फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए और यहाँ पर हम जाने वाले हैं डुकाटी सबसे पहले। इसका जो सर पकड़ के बैठ गया है बंदा, भाई मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था भाई। ये एक चीज पूछी थी भाई, जैसे लोग बोलते हैं इसे छुट्टी वाली बाइक में नहीं है, किस हद तक की बात ठीक है। तो भाई अभी जो है हम लोग जा रहे हैं गाड़ी देखने के लिए, ठीक है। दो तीन ब्रांड देखेंगे, हुआ तो BMW देखेंगे, क्योंकि BMW की भी कौन सी है वो RR 310, वो भी काफ़ी अच्छी है। TVS का भी शुरू, TVS RR 300, ठीक है। TVS 310 भी देखेंगे और Kawasaki भी देखेंगे और KTM भी देखेंगे। तो देखते हैं कौन सी गाड़ी पसंद आएगी, आज तो उठा के ले आएंगे, ठीक है ना। तो भाई अभी जो है कुछ खाने पीने के लिए लेते हैं, कि खाना वैसे नहीं खाया, देखते हैं है ना। क्या लोगे भाई, मुझे तो एक हेल दे देना, हेल दे दो और ये दे दो। डाइट में से पेट भर जाएगा। गुल्लू तो ये सब नहीं पीता है ना, है वो गर्म है ठंडा है, ये ठंडा है यार, ठंडा है ये भी, ठंडा है, गला खराब हो जाएगा इसको, है ना। तू मत पी यार, तू मत पी गुल्लू, तो आराम से ये लाओ, तेरे लिए ये लाओ, ये नहीं लाया है जा, तू सीज जी का भाई। आपका दिल बहुत बड़ा है, हमारा बहुत बड़ा है दिल, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। So guys, अभी जो है ना हमें कन्वर्टेबल गाड़ी देखी है, सुमित दिखा रहा है भाई, बड़ी मस्त लग रही है। BMW ऐसा है, BMW ले पकड़ लिया, BMW का कन्वर्टेबल है, ये देखो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये देख रहे हो तो भाई अभी मैं पहुंच चुका हूँ इंडिया गेट, ठीक है। ये देखो सामने इंडिया गेट है और हमारी गाड़ी यहाँ लगी हुई है, अभी देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। तो भाई अंग्रेज भी आ रहे हैं यहाँ पर और अभी हमें इंडिया गेट से यहाँ से निकल रहे हैं, तो यार काफ़ी अच्छा लग रहा था सीनेरियो। मैंने कहा यार चलो जी सामने से मैं कर लेता हूँ, मिलवा दो क्या बताओ। अबे जवाब जा रही है, साला अंग्रेजन छेड़ने जा रहा है, पिट पिटा जा रहा है, यहाँ की पुलिस पकड़ के मारेगी बहुत, ये नहीं देंगे बिहार का कहाँ का है, मारेंगे पकड़ के। चलो फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए और यहाँ पर हम जाने वाले हैं डुकाटी सबसे पहले, क्योंकि है तो वहाँ भी देखेंगे, देखते हैं यहाँ कुछ बाइक कितने आते हैं। भाई अपने सामने तो ये कुछ ज्यादा ही, आज तेरे को वाली बाइक दिलाऊंगा सुमित। ओ भाई ये कौन सी है, क्या चीज है ये, डुकाटी भाई, अंदर वाली तो मस्त लग रही है, मल्टीस्ट्राडा है, मल्टीस्ट्राडा। और देखते हैं कि भाई आपने मतलब की गाड़ी है चीज लगी खतरनाक ये, और अभी हम अंदर गए और अंदर शूट अलाउ नहीं था, वरना मैं अंदर शूट करता भाई। अंदर भाई मैं सोच रहा कोई स्पोर्ट बाइक मिल जाएगी 500 cc या फिर 600 या 1000, भाई इसका तो सर पकड़ के बैठ गया है बंदा, भाई मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था भाई। ये जो खड़ी हुई है ना भाई, स्टार्टिंग ही 12 लाख से, ठीक है, और 800 cc 1000 cc 28 लाख भाई, ऐसे ऐसे भाई सुन के ही लिया भाई, क्योंकि अभी पहले जो है पैसे का मसला पड़ रहा है। और दूसरी चीज़ है, पहले गाड़ी है नहीं अपने पास, स्कूटी चलाता हूँ, पता लगा ले करके ठुक जाऊँ मैं, ये भी गलत है ना। बाइक ये है क्या है, मॉन्स्टर मॉन्स्टर है कोई कॉम्प्लेन बाइक की तो हाइट में गुल्लू यही ले लें इसको बचाने। चलो एक काम करते हैं, अभी सुजुकी चल के देखते हैं ना। तो भाई अभी हमने वहाँ तो देख लिया, तो अभी हम जा रहे हैं देखने के लिए BMW, तो भाई BMW को छोड़कर आ गया तो चलते हैं वहाँ भी जानते हैं ना। गुल्लू तो यही लेगा ना, भाई यहाँ खड़ी है गाड़ियाँ हवा में,
भाई यहाँ पर भी सेम सिचुएशन, अंदर शूट नहीं करने दिया और जो है ये उनका हिमायती है। ठीक है, ये देखो भाई इन्होंने पर्चा पकड़ा दिया, इसके अंदर साइज लिखी हुई है। और भाई मेरे दोस्त के पास है BMW 1000 कह रहा हूँ मैं, कौन सी G310 ठीक है। तो उसने बताया भाई आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज़्यादा बेकार है। तो भाई हमने पूछी भी सारी चीज़ें, ये तो अच्छी बताएंगे, तो अभी देखते हैं और कौन कौन से शोरूम पास में, सब में आके ट्राई करते हैं ना। तो भाई कावासाकी के शोरूम में आ चुके हैं यहाँ पर। भाई सामने लुक देख रहे हो, 10R है या 400 है देखते हैं जो भी है। तो भाई अभी अंदर चलते हैं, ठीक है, और देखते हैं यहाँ का क्या से आओ। तो फ्रेंड फाइनली जो है कावासाकी के शोरूम में आ चुके हैं, और भाई यहाँ पर हम देखने के लिए आए थे। यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे पीछे नज़र आ रही होंगी। और भाई ये इस गाड़ी का लुक देखो भाई, ये कौन सी है, 300 Ninja 300। हाँ 650 है स्टार्ट। तो भाई अभी जो है थोड़ा सा टाइम मांगा है और देखते हैं कौन सी लेते हैं कौन सी, ठीक है, जो भी लेंगे आप लोगों के सामने तो आई जाएगी। फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं खत्म के शोरूम, ये क्लैप राइड, ये कौन सा शोरूम, सॉरी KTM के शोरूम, KTM, ठीक है। तो वहाँ देखते हैं भाई कौन सी गाड़ी है कौन सी नहीं है, अगर लगा वहाँ ठीक वहाँ भी चेकआउट करते हैं ना। किन किन को लगता है कि छपरी वाला शोरूम है, पहले छपरी वाला बाइक के बता दें, छपरी वाला बाइक उधर से हेडलाइट्स चेंज हो गई, विंडशील्ड चेंज हो गई, मिरर चेंज हो गए, सीट चेंज हो गई। ये क्या है ये सर जी, TFT 390 में आती है, इसमें ब्लैक एंड वाइट है पर मीटर बड़ा दे रखा है। यहाँ पे आपका RPM आएगा, फ्यूल का दिखलाएगा, हीटिंग का दिखलाएगा, सारी चीज़ शो करेगा। तो क्या प्राइस देंगे ये ऑन रोड पड़ रही है भैया आपकी 2,48,000। अच्छा एक बात बताओ, मुझे एक चीज़ पूछनी थी भाई, जैसे लोग बोलते हैं किस हद तक की बात ठीक है भैया, देखो मैं ना बंदे कहते हैं पर जो प्रोफेशनल यूज करते हैं ना उसी को पता है बाइक क्या है। कि मैंने अपने काम से लोग तो चला ली भाई कौन से लू कौन से नहीं, तुम मुझे 300 सेगमेंट में चाहिए तो आपके व्यू में पता है ठीक है, जो के टी एम के। और दूसरी बात हम ये बोलते हैं कि सर थोड़ा खींचना पड़ता है तो लॉन्ग राइड के लिए बिल्कुल भी सही है। इसके बारे में सर ये रेसिंग बाइक है आपकी ठीक है, इसमें आप 1-2 घंटे यूज कर सकते हो प्रॉपर, हाँ कंटिन्यू आप सर लॉन्ग राइड के लिए ड्यू के और लॉन्ग एकदम लंबे रूट के लिए। तो गाइस अभी जो है शोरूम में से आ चुके हैं और वहाँ पर जो कुछ भी था आपके सामने था, वहाँ पर सिर्फ दो ही गाड़ियाँ थी हैं, एक एडवेंचर थी और एडवेंचर 390 था, 390 थी है ना। तो अभी देखते हैं क्या है क्या नहीं, कौन कौन KTM लवर है नीचे कमेंट जरूर करना, कौन कौन KTM को छपड़ी मानता है वो भी बता देना, वो भी बता देना ठीक है। अभी जो है घर पे आ गए हैं और भाई मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कौन सी गाड़ी ली जाए कौन सी नहीं, या भाई मैं तो एक मन कर रहा है ड्यूक ले लूँ, ड्यूक ले लूँ, एक मन कर रहा है KTM ले लूँ, क्योंकि दोनों ही मेरी फेवरेट रेंज शुरू से लोग बोल रहे हैं छपरी गाड़ी है। और दूसरा भाई BMW देख के भाई वो तो एकदम मौसम लगी बिल्कुल एकदम, G310 RR सही है। और दूसरा भाई कावासाकी की निंजा 300 या 400 या फिर 650
ठीक है भाई, ZS10R का तो भाई बजट ही ऊपर हो गया, तो उसके बारे में तो अपन बात ही नहीं करेंगे। तो अभी देखते हैं कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं, नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो भाई आज के व्लॉग में यहीं पर ऐड करते हैं, ठीक है। आई होप कि ये व्लॉग आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। और कौन KTM लवर है, कौन कावासाकी लवर है, कौन निंजा लवर है, कौन BMW लवर है और कौन TVS लवर है, तो भाई मुझे नीचे कमेंट जरूर कर देना। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।